सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है ये धमाका ही है ये मत समझिएगा कि ये पचास लोग बैठे हैं एक एक आदमी के पीछे दो दो लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से दो दो लाख पंजाबी और अगर कोई एमपी बैठा है तो पंद्रह लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं तो ये हीरे हैं ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे हैं मैंने बात नीयत की की है नीयत की नीयत साहब नीति में दिखती है और नीति सिर्फ दो पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार ने आप अगर ये सोचते हो कि ये कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलत फहमी है यह सिर्फ दो पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं और मैं आज डंके की चोट पे यह कहता हूं छाती ठोक के ये कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे ये लीडर हैं सौ भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ भेड़ें शेर हो जाती हैं और ये शेरों के आगे बब्बर शेर हैं और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूं वो बड़ी पते की और यहां वाजिब है ई e नैम तो पहले भी था साहब पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी आप मंडियों की बात करते हो आप ये बात करते हो कि फ्री मार्केट होनी चाहिए तो फिर ये कानून बनाने की क्यों जरूरत है बाहर से ई नैम ई नैम होता था ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी ये कानून क्यों बनाए गए ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता नंबर एक नंबर दो वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा और ये चुने हुए नुमाइंदे ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा ये मैंने देशों में सुना था कि एक दो कंपनियां मोनोपली बनाती हैं और वो मोनोपोली बना के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी वो मोनोपली बना के राज करती हैं ये वही हो रहा है ये रिमोट कंट्रोल ये गोरे अंग्रेजों के हाथ में नहीं ये काले अंग्रेजों के हाथ में दिया जा रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरे का पूरा कंट्रोल हमें कठपुतलियां बनाने के लिए अंबानी और अडानी के हाथ में देने की ये साजिश है उसका प्रमाण है सत्रह लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं बैंकों को लुटा दिया सत्रह लाख करोड़ रुपए के एनपीए आपने सारे बैंक लुटा दिए किसी एक पे कार्रवाई हुई पिछले से पिछले साल पांच लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के पांच पांच लाख करोड़ रुपए तो आप कहते हो इंसेंटिव और गरीब किसान को अगर चार पैसे देते हो तो उसको कहते हो सब्सिडी वाह वाह सत्रह लाख करोड़ के एनपीए पूछिए मोदी सरकार से क्या जवाबदाई बनाया है किसी को पांच लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यूज फॉरगोन बजट में आते हैं ये तिवारी साहब बैठे हैं एमपी पी साहबान बैठे हैं रेवेन्यूज फॉरगोन वो रेवेन्यूज फॉरगोन आप छोड़ते हो वो इंसेंटिव और किसान की जो बनी बनाई इनकम थी किसान क्यों डरा हुआ है किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसकी लागत बढ़ रही है उसके खर्चे बढ़ रहे हैं पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है लेकिन जो उसकी अशोर्ड इनकम थी आज मोदी सरकार वो अशोर्ड इनकम को छीन रही है पॉइंट नंबर टू ये पहला था पॉइंट नंबर टू दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ये हमारे संगीत ढांचे के ऊपर एक अटैक है इट इम्पिंज एंड इम्पीज ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे हमारी आत्मा पे आघात है हर स्टेट के अलग अलग मसले हैं हर एक स्टेट के अलग अलग मसले हैं साहब इसीलिए उन अलग अलग मसलों को सुलझाने के लिए वहां की सरकारों का चयन होता है यह कहां का यह कहां का इंसाफ है कि एक चीफ मिनिस्टर और उसके सारे चुने हुए नुमाइंदे ऑपोजिशन वगैरह सारी इकट्ठी तुम एक स्टेट के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को दबा रहे हो और उसके 70 परसेंट किसान उनकी आवाज को दबा रहे हो इट इज एन अटैक ऑन आर फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर पे ये जो अटैक है इसके बारे में मैं पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं और प्रियम्बल में एक वर्ड आता है फ्रटर्निटी फ्रटर्निटी का क्या मतलब है फ्रटर्निटी का मतलब है कि हम आपसी भाईचारे में बंधे हुए हैं हम पारिवारिक सांझ में बंधे हुए हैं और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं हमारा कल्चर अलग है लेकिन फिर भी हम एक हैं तो जब हम अपने स्टेट की बात बुलंद कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल किसान की बात बुलंद कर रहे हैं हम किसान के साथ साथ हम संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं हम आज संविधान के पक्ष में खड़े हैं अपने फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में खड़े हैं एकता तो जेल की भी होती है लेकिन साहब यह जेल की एकता नहीं है यह आपसी भाईचारे की हिंदुस्तान की एकता है यह यूनिटी इन डायवर्सिटी है और वो संजीदगी से लेने वाली बात है जो लोग और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूं जो लोग वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं वो पंजाब के चुने हुए नुमाइंदों की और एक चीफ मिनिस्टर की आवाज को दबा रहे हैं और कुचल रहे हैं यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जीएसटी की तरह यह पंजाब की इनकम वार है तुम हमारे ही पैसे लेते हो जीएसटी में तुमने फाइनेंशियल कंट्रोल ले लिया और सारे पैसे स्टेट के बिहाफ पे तुमने वो इकट्ठे किए और तुम हमें ही वो पैसे दे नहीं रहे ये कहां का इंसाफ है भाई चोरी और सीना चोरी क्या ये सरकारें ये करेंगी हमारे पैसे लेके तुम ये कहते हो कि हमसे लोन पे वापस ले लो धिकार है ऐसी सरकार पे। काहे का फेडरल ढांचा फिर काहे की आपसी भाईचारक सांझ और तुम इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाते हो यूजिंग द वर्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेट तुम हमारी रेले रोकते हो हाँ, तुम समान नहीं पहुंचने दोगे तुम थ्रेटन करते हो हमें एक तो तुम हमारे किसान की और ये किसानी इज अ वे ऑफ लाइफ इन पंजाब ये जीवन जीने का एक तरीका है ये हमारी पगड़ी है तुम हमारी पगड़ी को हाथ डालोगे तो वो हाथ तोड़ के डालेंगे तुम्हारी पगड़ी को हाथ डालोगे वो हमें मंजूर नहीं है और मैं आज भी ये कहता हूं कि तुमने हमें सवेरे भी रोकने की कोशिश की किसानी का संघर्ष जो है वो पवित्र संघर्ष है झंडे में डंडे वाला संघर्ष है नॉन वायलेंट संघर्ष है तुम उस संघर्ष को बाहरी ताकतों के साथ जोड़ोगे तो तुम किसान का निरादर कर रहोगे उसका अपमान करोगे वो हम सहन नहीं करेंगे अगली बात मैं कर रहा हूं पहले आपने जीएसटी छीन लिया हमारी मंडियों से पांच हजार करोड़ रुपया सीएम साहब बैठे हैं बाकी लोग बैठे हैं पांच हजार करोड़ पिछले साल चार हजार करोड़ इस साल पांच हजार करोड़ बाप दादाओं ने हमारी पुश्तों ने चार पीढ़ियों ने मिलकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब जहां आपने ये मंडियां नहीं है जहां आपने ये पहले लागू किया मुझे यह बताएं कि वहां का किसान उसकी क्या हालत है वो लेबर कर रहा है लेबर वो लेबर कर रहा है देखिए आप मैं स्टेटों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी सब में हमारी पगड़ी है हम जानते हैं लेकिन तुम हमारे किसानों को लेबर करवाओगे इस पगड़ी को हम पैरों में नहीं लड़ने देंगे और यह संघर्ष हमारा गहना बनेगा मनु सावल्ले हो धून सवल्ले होए। चूने की छत के ऊपर जितने थप्पड़ मारोगे वो उतनी ही सख्त उतनी ही तगड़ी होती जाएगी ईंट को आग में डालोगे सोने को आग में डालोगे वो पक जाएगा और, और, और भी चमकेगा मैं अगला पॉइंट जो है वो ये कह रहा हूं कि पहले आपने जीएसटी छीना फिर आप हमारी मंडियों पे आ गए अट्ठाइस हजार आरती मजदूर जो मंडियों में काम करता है हमारे बाप दादाओं का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम तो उसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हो और जहां तुमने ये फ्री मार्केट लगाई है वहां किसान लेबर कर रहा है उसके बाद मैं अगली बात करता हूं क्या यह अकेले पंजाब की बात है क्या ये अकेले सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात है या इन एमएलए की बात है नहीं ये हर हिंदुस्तानी की बात है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन आएगी भुखमरी आएगी मैं कह रहा हूं आज कैसे कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कानून में अंबानी और अडानी साहब जैसे लोगों को होर्डिंग को लेजिटिमाइज कर दिया आपने उसमें लिख के दिया कि आप ये अनाज अपने गोदामों में रखिए पचास गुना और सौ गुना बेचिए पचास गुना और सौ गुना बेचिए भुखमरी का कारण क्या है मैं डे की चोट पे कहता हूं कोई डिबेट कर ले मेरे साथ कोई भुखमरी का कारण यह नहीं है कि अनाज नहीं है अनाज होता है साहब अनाज गोदामों में होता है अंबानी और अडानी साहब के लेकिन वो गरीब की पहुंच के परे हो जाता है इसलिए इन्फ्लेशन आती है और इन्फ्लेशन का असर अमीरों पे नहीं होता हम तो कहते हैं भर दे भैया अपना टैंक भर दे कोई चक्कर नहीं लेकिन जो गरीब पांच सौ रुपए कमाता है वो पांच सौ रुपए की वैल्यू दो सौ रह जाती है जो वो पांच सौ में खरीदता था वो 2000 में खरीद नहीं पाता तुम्हारी जीएसटी ने व्यापारी मारा और आज ये काले कानून किसानों को मार रहे हैं हमारी पहचान को मिटा रहे हैं बाबा नानक ने दी थी ये हमें पहचान मरते हुए मर जाएंगे इस पहचान को नहीं मिटेंगे मिटने देंगे नाम ही खोदोगे तो किधर जाएंगे और पहचान खो देंगे सिद्धू तो बिखर जाएंगे नहीं बिखरने देंगे हम पंजाब को और आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप एहसान फरामोश हो गए हो आप एहसान फरामोश हो गए हो मैं डंके की चोट पे कहता हूं किस तरह से कहता हूं क्या पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी नहीं पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा दो परसेंट लोगों ने सतासठ परसेंट लोगों का पेट भरा फिर तुमने गरीब को अन्न कैसे दिया सस्ती एमएसपी पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी से उठा के आपने 80 करोड़ लोगों का पेट भरा और उसी को पीडीएस द्वारा उन्हें सप्लाई किया पेट्रोल छह रुपए का था बानवे में अठहत्तर का हो गया और किसान की एमएसपी तीन गुना बढ़ी वो बारह गुना सत्रह गुना और ये तीन गुना कॉरपोरेटों में जो काम करते हैं एक एक हजार गुना उनकी तनख्वाह बढ़ गई और उन्नीस से लेकर किसान की एमएसपी सिर्फ पंद्रह गुना यह कहां का इंसाफ है ये किस तरह हम बयां करें चाहे मंडी एमएसपी मॉडल हो या दूसरा पहले केंद्र ने हमें इस्तेमाल किया और फिर यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी करके इन्होंने हमें फेंक दिया ये तीन पॉइंट मेरे इस केंद्र की सरकार को कहीं भी किसी को भी भेज दें और बहस कर लें खुलेआम आम जहां बुलाएंगे मैं आऊंगा यदि हार गया राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा सदा के लिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं उन्हें ये फिक्र है आखिर में ये मैं शेयर करके फिर सीएम साहब के हवाले स्टेज करता हूं उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है तर्जे हरदम नई तर्जे जफा क्या है हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है गुनागारों में शामिल हैं वो लोग जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन अशरिन की गारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ अरे सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है बात खत्म